गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आज हम कस्टमर का है, मतलब हमारे दोस्त का है। हमने अपने दोस्त को कहा कि थोड़ी देर रुक जा, वो कहते नहीं मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं स्टार्ट करके आप देख सकते हैं लोडिंग हो रही है, तो भैया हम अभी स्टार्ट करते हैं सीधा। सिर्फ बहुत कम बन रहे हैं, 10 बंदे हैं सिर्फ, तो ये सिर्फ 10 बंदे हैं। तो देखते हैं हम तो जाएंगे सीधा फैक्ट्री में चलेंगे हम। तो भैया आज हम जाएंगे फैक्ट्री में, तो भैया पहले लगाते हैं मार्क, फिर हम जाएंगे फैक्ट्री में। तो भैया फैक्ट्री हमें काफ़ी सही लगती है, हम कभी कभार ही जाते हैं पर फैक्ट्री, क्योंकि रैंक खेलते हैं तो बिल्कुल कम ही जाते हैं। तो चलते हैं हम फैक्ट्री में, मतलब एक वीडियो बनाई थी पिछली, उसमें गए थे रैंक में। तो चलते हैं, करते हैं फटाफट, चलते हैं फैक्ट्री में। तो भैया हमारे साथ साथ कोई बंदा चल रहा है, तो हमारे साथ साथ कोई बंदा चल रहा है, तो उसको अभी हम धोएंगे। अगर वो हमें धोएगा तो क्या बात है, हमें ना धोते तो जिस कि नहीं गिल्ड, नहीं गिल्ड, आप कमेंट करना किसकी गिल्ड में हो, कमेंट करना। हम अब अपनी गिल्ड बनाएंगे, अब हमारी गिल्ड में भी आ जाना, तो भैया कस्टम वगैरह भी मिल जाएंगे। तो भैया यहाँ पे हम उतर गए और बंदा नीचे उतरा, तो जंप की इतनी है कि वो ऊपर आ जाएगा लगता तो है। तो ये हम यहीं रहेंगे थोड़ी देर, मतलब जैसे पिछले मैच में था ना रैंक में, पिछले वीडियो में आपने देखा था, मतलब थोड़ा थोड़ा वैसे, मतलब जोन निकलेगा तभी जाएंगे। सोच तो रहे हैं कि भैया किसी ने कस्टम लगाया तो दिल से बुरा लगेगा अगर टॉप 10 में ही पिट जाएंगे। तो बंदा ऊपर ना आए बस गन लेके, थोड़ा इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। या हम इंतज़ार करते हैं, कोई मेरे को लगता है कि बंदा ऊपर आएगा, पहले मार खटाते हैं। तो मेरे को लगता है कि बंदा ऊपर आएगा, आएगा, आ गया। तो भैया यहाँ पे बंदा ऊपर आ गया है, मेरे को टीम अप करने की कोशिश कर रहा हूँ पर मेरे को नहीं करना। तो भैया हम इंतज़ार करते हैं, देखते हैं ऊपर वो आ पाता है या नहीं, तो ये आएगा या नहीं, आएगा या नहीं। वो तो शायद गिर गया। तो भैया हमारी दूर की नज़र आज थोड़ी ख़राब हो रही है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये बंदा ऊपर तो आ गया, अरे आ गया भाई साहब, वो गोलियाँ चलाएगा क्या या टीम अप करेगा? अरे भाई साहब गोलियाँ चला रहा है, वो टीम अप नहीं करेगा मुझे लगा ही था। तो हमारे पास गन होती ना, हम भाई साहब मतलब इतना गंदा धोते ना इसको, क्या ही कहें। अगर इसके बाद वॉल हुई 3-4 मतलब 5-6 तो ऊपर आ जाएगा ये, वरना तो भैया हम बच गए बाल बाल। तो भैया बाल बाल बच जाएंगे, वरना वरना हम पिट जाएंगे। देखते हैं क्या होता है आगे, तो हम ऊपर बीच में रहेंगे क्योंकि वो बंदा देखते हैं क्या हाल करेगा। तो भैया चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, हम नई नई वीडियो डालते रहते हैं, चैलेंज वगैरह की भी, कस्टम वगैरह की अब बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो भैया सब्सक्राइब कर लेना। तो नीड मार रहा भाई सब, नीड मार रहा, तो इसके नीड तो भैया ख़राब जाएंगे। मेरे को नहीं लगता ये नीड बस जितवा पाएगा, मतलब हमें किल कर पाएगा तो मुझे नहीं लगता। तो ये गोलियाँ चला रहे हैं, नीड मार रहा है, पर नहीं होएगा इससे। तो भैया यहाँ पे अभी भी नीड फेंकने की कोशिश करते हुए, उसके नीड ख़त्म होते ही वो जला जाएगा मुझे लगता है। तो भैया जब तक जोन नहीं बनता हम तो निकलने वाले इधर से, ठीक है। तो वो रहा बंदा नीचे, नीचे तो देखो, तो भैया नीचे ही बंदा है। तो हम सोच रहे वो दूसरे टावर पर जाएँ, पर नहीं हम नहीं जाएंगे, नीचे गिर के तो बंदा हमारी वाट लगा देगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो फिर कहेंगे आज हम पिट गए, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है,
नीड भी होता ना तब भी भाग देते, और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये कस्टम में बड़ा गंदा आता है, हमें कुछ देते ही नहीं। मतलब वैसे अगर खेलने जाओ ना तो कुछ तो होता है, ऐसे तो नहीं कुछ भी नहीं होता। चलो छोड़ो, मतलब अलग अलग बंदे बुला लिए, वरना अगर जान पहचान वाले होते ना कम से कम मारते तो नहीं। तो चलो छोड़ो उसको भी। तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि अभी बंदा कोई करेगा, तो मेरा मन कर रहा है कि वाइट वाले धुएं वाले के ऊपर जाऊं, पर नहीं जाएंगे, आपको पता ही है नीचे बंदा तो हमें धोए ना, तो हम बंदे को देख रहे हैं पर दिख नहीं रहा। अभी मेरे को लग रहा है कि नीचे चला गया पर नहीं गया। भैया यहाँ पे बंदा तो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल, और सात बंदे अभी भी हैं, मतलब हमको हटा के तो छः हुए, तो सात ही कहेंगे हम। तो ड्रोन वाले बाबा भी आ गए हैं, काश इधर घेर दे, हम तो चाहते हैं इधर घेर दे, गन मिल जाए तो अगर वो बंदा एक बार बाहर निकले तो उसको धो देंगे हम, फिर वो बंदा हमें परेशान नहीं करेगा। तो भैया यहाँ पे अभी तक ड्रोन वाले बाबा आगे मैप में दिख गए मुझे, मैप में दिख गए मुझे ड्रोन वाले बाबा। तो प्लेन भी एक सामने ड्रॉप गिर गया है, दिल से बुरा लगता है भैया, दिल से चुरा के जा रहा प्लेन भी मुझे, भगन नहीं है। चलो कुछ नहीं होता, अगर अब खेलूँगा ना तो भाई सब फैक्ट्री में कभी नहीं उतरूँगा, कोई सेफ सी जगह में उतरूँगा तो वहीं से अपना गन्ने गुने उठाऊँगा, बंदूक उठाऊँगा। तो चलो ड्रोन वाले बाबा तो वहीं रुक के, मेरे को लगता है उल्टे हो जाएंगे वापस भाग जाएंगे। तो थोड़ी बोरिंग लग रही मेरे को वीडियो अब, तो मुझे भी। तो भैया क्या ही कह सकते हैं, तो ड्रोन वाले बाबा बिल्कुल पास से आके भाग गए वापस, भाग गए जैसे हमने किया था, उल्टे चले जाएंगे वापस। तो ये क्या ही कहे हम, तो ये दिल से बुरा लगता है भैया, दिल से बुरा लगता है। तो भैया यहाँ पे अभी भी सात बंदे ही हैं, छह बंदे ने क्या टीम अप कर रखा है क्या, तो हम इंतज़ार करते हैं सेफ जोन श्रिंकिंग। तो हम भैया इस बार चुपचाप बैठेंगे आराम से, तो देखते हैं अब क्या होगा। तो छह बंदे हो गए अब, छह बंदे तो लगता है अब एक दूसरे को धोने लग गए हैं, मतलब टीम अप के अलावा। तो अभी हमको हटा के है पांच बंदे, तो आराम से यहाँ पे इसको बैठे रहेंगे हम।
तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे छोटा सा जोन हो गया है बिल्कुल। तो भैया यहाँ पे ड्रोन वाले बाबा भी जोन के बाहर है, तो हम जोन के अंदर हैं अभी। तो भैया यहाँ जोन के साथ ही चल रहे हैं ड्रोन वाले बाबा, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए क्या हो रहा है। तो अब तेज़ी से भाग के आगे जोन है वो भी। तो भैया ये आगे वो भी ड्रोन वाले बाबा जोन में। तो अभी तक मुझे 6 ही बंदे रह गया, मतलब कुछ तो कम हो, रैंक में भी इतने कम हो जाते हैं, मतलब क्या ही कहूँ बंदों को। तो भैया सेव खेलने का ये दिक्कत होती है। तो जोन भी बन गया, जोन के बाहर है। तो अब दिखाएंगे असली हम दम, भाग के जाएंगे बाहर, जाएंगे 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 या नहीं जाएंगे, ना जाए ना जाऊँ या जाऊँ, ना जाऊँ या जाऊँ, ना जाऊँ या जाऊँ। तो भैया जाऊँ या ना जाऊँ, तो थोड़ा सोच रहे हैं जाएं या ना जाएं। तो भैया सोचते हैं सोचते हैं, तो हम सोचते हैं अभी जाएं या ना जाएं। अभी भी हम सोच रहे हैं कि जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। तो 4 बंदे हो गए हैं, हमने एकदम से देखा तो भैया 4 बंदे हो गए। तो भैया यहाँ पे डेंजर जोन भी है जोन में, तो यहाँ पे क्या ही कहें। तो हमको हटा के हुए 3 बंदे हो गए, वाह। तो अब हमारा मन कर रहा कि डेंजर जोन भी चला गया, तो चलो भैया चलते ही हैं। अच्छा तो हम चलते हैं, जो होगा देखेंगे, क्योंकि 3 बंदे हो गए हैं। चलो भैया चलते हैं हम। तो नीचे पड़ा लेवल 1 का बैग, तो पहले उठाते हैं उसे। तो चलो 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 भागते हैं, भाग के डुन डुन करके। तो वहाँ रखी है हमारी फेवरेट गन, तो हमारी फेवरेट गन उठाते हैं। गोलियाँ उठा ली, लेवल 2 का टोपा उठा लिया। यहाँ एक और गन रखी है, उसको भी उठाते हैं। तो जंप इतनी बड़ी होती है। तो यहाँ पे हमसे एक दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी हमसे। तो मतलब हमने देखा नहीं, हम ढूंढ ढूंढ करके जोन में जा रहे, यही बंदा था नीचे, सिर्फ 5 किल कर लिए, मतलब 10 बंदे थे, 5 किल कर लिए इस बंदे ने। इतना सेफ खेले हम, तो हमें इस बंदे ने धो दिया। तो मतलब वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए हमारे। चलो छोड़ो, कुछ नहीं होता भैया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो होती है यहीं ख़त्म, ख़त्म हो गई आज की वीडियो। तो आज हम थक गए, तो चलो बैक होते हैं यहाँ से, क्योंकि हम एक और मैच तो नहीं खेलेंगे। तो भैया यहाँ पे एक इवेंट आया है, तो आज ही आया ये इवेंट। तो शॉर्ट गन की इसकी स्किन आई है, मैं भी कुछ डायमंड वगैरह लेंगे, तो ये आपको करके दिखाएंगे। तो इसको पहले आपको क्लाइम करना होता है, आपको 2-2 करने होते हैं, फिर ये मुक्के वाले पे टच करना, जैसे यहाँ नीचे 2 लिखे हैं ना, तो यहाँ आपको करने हैं 2 पे टच, तो आपको ये वाले सामान मिलेंगे, ठीक है। ये बैक की स्किन मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है, तो मैं बोलूँगा भैया आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये इवेंट काफ़ी अच्छा है, आपको पसंद हो तो आप ले सकते हैं।